तो कैसे हो मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो वन कार्ड आता है, जो वन कार्ड मेटल कार्ड आता है, IDFC बैंक प्रोवाइड करती है इसे वन मेटल कार्ड को। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इसके बेस पे आपको ये जो मेटल कार्ड है मिलता है। तो ये बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड है, मेटल का बना हुआ था, मेटल मटेरियल का। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसे अप्लाई करना है। तो पहले आपको क्या करना है, जो वन कार्ड का एप्लीकेशन आता है उसमें जाके पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है आपको। अगर आपका सिविल अच्छा है तभी आपको ये कार्ड मिलता है। उसके बाद का प्रोसेस है ये कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये वन स्कोर है। वन स्कोर आपका सिविल स्कोर चेक करने के लिए, मतलब आप जैसे ही इस पे अप्लाई करेंगे वन स्कोर के लिए, तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे 10 डेज़ के लिए। तो अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होता है, मतलब आपका पूरा हिस्ट्री चेक करके वो मतलब अप्रूव करेंगे, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मिनिमम 8 डेज़ हो चुका है। 8 डेज़ होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है अप्रूव्ड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये अप्रूव्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गेट योर वन कार्ड। तो यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन, जो मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। तो जैसे कि आप लोगों को मैं मतलब इससे पहले कि मैं बताया था कि मैं 10 डेज़ के बाद या जब भी अप्रूव होता है तब वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख पाएंगे पीछे जाके अगर सुने हैं। तो ये बेसिकली 8 डेज़ या 7 डेज़ के बाद हुआ है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे गेट योर कार्ड वन कार्ड के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एलिजिबल लिमिट है 30,000 है। इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ वीडियो, तो कैसे आपको मतलब ये लिमिट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डाउनलोड वन कार्ड। तो आपको पहले डाउनलोड वन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है अगर आपका एप्लीकेशन ओपन होता है। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ये प्ले स्टोर में ले जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना वन कार्ड एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और पूरा डिटेल्स फिल करके मैं ये कार्ड वर्चुअली यहीं पर रिट्रीव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वन कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब डाउनलोड हो जाने के बाद। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसे पहले डाउनलोड कर लें। तो ये देखिए हमारा ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पर देखिए इट्स मेटल कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मेटल कार्ड है। अनबॉक्सिंग मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। स्मार्ट कार्ड भी है, सब कुछ है। तो उसके बाद देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको देखिए जो वन स्कोर में नंबर आप डाले थे वही नंबर आपको डालना है यहाँ पे, दूसरा नंबर ना डालें नहीं तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो वहाँ पर डाला था वही डाल देता हूँ यहाँ पर। डालने के बाद देखिए आपको गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए OTP डालने के बाद आपको देखिए वेरीफाई, जो ईमेल आईडी आप दिए थे उसे आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाएगा, जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे दिए थे, तो आपको इसके ज़रिए साइन इन करना है। तो अगर आप साइन इन नहीं है तो पहले अपने मोबाइल में साइन इन कर लें जो भी ईमेल आईडी आप दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ यहाँ पे, साइन इन विद गूगल। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है इसके बोलने का, कि जो भी ईमेल आईडी आप प्रोवाइड किए हैं वो आपके मतलब फ़ोन में ऐड होना चाहिए, तभी आप जाके ये एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो वेरीफिकेशन के लिए आपको देखिए यहाँ पर साइन इन विद गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा गूगल में। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड बोलेगा एक डालने के लिए, मतलब ऐप के लिए। तो आप जब भी ये पासवर्ड डालेंगे तभी आपका ऐप खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए एंटर पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोनों पासवर्ड आपको सेम जगह पर डालना है, एंटर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं डाल दिया हूँ यहाँ पर। डालने के बाद आपको देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल्स पूछेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फुल नेम, उसके बाद देखिए मदर नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, और यहाँ पे देखिए नेशनैलिटी। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पूरा डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस है, तो मैं इसे मटेरियल स्टेटस बोलता हूँ। तो ये मेरा मटेरियल स्टेटस है, यहाँ पे देखिए मैरिड हूँ मैं, तो यहाँ पे मैरिड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑक्यूपेशन टाइप आपको डालना है, तो मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरा बिजनेस है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिटी पूछेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ इतने सिटीज़ के नाम हैं, अगर आप इसमें इंक्लूड हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नीचे स्क्रॉल करके बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंगलोर का ऑप्शन है, तो मैं बैंगलोर से हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेंगलुरु के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बैंगलोर के ऊपर बेसिकली। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके मैं देखिए कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो लोड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको आधार अपना वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए OTP के जरिए आप कर सकते हैं। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे आधार कार्ड नॉट लिंक्ड विद फ़ोन नंबर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक है, तो उसके देखिए स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आपको उदय के साइड पर मतलब पीछे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो डरने की बात नहीं, आप इजीली अपना भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर आधार कार्ड देके अपना। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। आधार कार्ड डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इमेज कैप्चर डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं इमेज कैप्चर डाल देता हूँ। वही इमेज कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे देखिए आई अप्रूव कंसिडर, वो जो भी कलेक्शन आप लेगा इन्फॉर्मेशन लेगा आप इसे टिक कर दें। टिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे देखिए गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हम आगे OTP के पेज पर। तो चलिए यहाँ पे हम अपना OTP डालते हैं, यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा।
तो यहाँ पे देखिए ओटीपी डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्रिएट ए पासवर्ड डालना है, जो भी आपका इनक्रिप्ट करने के लिए आधार, तो मतलब सेफ रखने के लिए आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दें 4 डिजिट का। तो चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद देखिए आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आधार है वो सक्सेसफुली देखिए यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है, तो ये मुझे अब रीडायरेक्ट करेगा ऐप में। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरा कार्ड यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 इंटरेस्ट, और ये मेरा कार्ड है ऐसे दिखेगा। तो ये मैं फिजिकली भी प्रोवाइड करेंगे, तो ये 2 से 3 दिन लगता है फिजिकली आने के लिए आपको घर पे। तो मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, गाँव में अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हैं मतलब रूरल साइड में है तो उसका मुझे पता नहीं, मैं अर्बन साइड की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपको गेट इट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपको गेट इट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है कंफर्मेशन के लिए कि आपके पास अकाउंट है, केवाईसी के लिए, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप कोई भी यूपीआई डाल सकते हैं, फ़ोनपे का, गूगल पे का, ये बस वेरिफिकेशन के लिए है। तो आपके अकाउंट से ये 1 रुपीस मतलब डिपॉजिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से काटेंगे, बिल्कुल सेफ है, आप आराम से बेनिश्चित आप इसे डाल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी डाल के इसे कन्फर्म कर लेता हूँ कि मेरा ये जो अकाउंट केवाईसी है सक्सेसफुली हो जाए। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपीआई आईडी बिलोंग्स टू खेमराज, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वही अकाउंट का है, मतलब कन्फर्म हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशन यहाँ पे आएगा 1 रुपीज़ डिपॉजिट होने के बाद। तो उसके बाद देखिए आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 1 रुपी है सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुका है हमारे बैंक में। तो इसके जरिए हमारा जो अकाउंट वेरीफाई हो गया है। उसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक सेल्फी लेने बोलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस लिखे हैं, आपको ग्लास नहीं पहनना है, और यहाँ पे देखिए स्पेक्टिकल्स है उसे निकाल दें यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। और आपका पिक्चर जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना पिक्चर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मतलब सेल्फी लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे एड्रेस दिखाएंगे, तो आप किस एड्रेस पे अपना कार्ड डिलीवर कराना चाहते हैं तो ये आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, ये बेसिकली आपके जो क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से ये आपको एड्रेस दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, अगर आप चाहें कहीं नए एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा एड्रेस जो है वो सेम है, तो चलिए यहाँ पे मैं इसी एड्रेस पे अपना जो कार्ड है उसे मंगाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आपको देखिए कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्ड का जो नाम है आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे आएगा आपके कार्ड। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं, मतलब आप कार्ड का नाम अगर कुछ और रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये रखना है। उसके बाद देखिए आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मेटल कार्ड आएगा उसके ऊपर आपका यही नाम रहेगा। उसके बाद देखिए आपको फिर से एक बार कंफर्मेशन के लिए कंफर्म क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट एड्रेस है मेरा, योर कार्ड विल बी डिलीवर टू दिस एड्रेस। उसके बाद देखिए आप एक बार और पूछेगा आपसे कि आप सही एड्रेस सेलेक्ट किए हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हमारा जो पूरा केवाईसी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे सेटिंग अप योर कार्ड, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कार्ड डिटेल्स है यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग, तो मैं इसे ब्लर किया हूँ थोड़ा, तो मैं इसे दिखा नहीं पाऊंगा आपको। उसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वर्चुअल कार्ड है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद देखिए आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आप स्वाइप करके देखेंगे तो पूरा चीज़ आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक करना है पूरा स्किप करने के बाद। उसके बाद देखिए आपको परमिशन देना पड़ेगा, आप दे सकते हैं अपने फ़ोन में, ग्रांट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमिशन पॉपअप का आ गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा कार्ड दिखाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट वन कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका कार्ड घर पे डीलर होता है तो उसमें एक बार कोड रहता है, तो उसके बाद आप अपना फिजिकल कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से अपना जो वन कार्ड का एप्लीकेशन है पूरा सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल कार्ड है, आप इजीली इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम क्रेडिट कार्ड की तरह। जब आपके पास फिजिकल कार्ड आएगा तो आप कहीं पर उसे ऑफलाइन शॉपिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से अपना जो वन कार्ड एप्लीकेशन है मतलब वन कार्ड का जो मेटल कार्ड आता है उसे अप्लाई करना है आईडीबीआई बैंक के द्वारा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप मुझे मतलब कुछ सवाल करना चाहते हैं वन कार्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।